नमस्ते फैमिली, स्वागत है आप लोग का मेरे ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सबकी दिवाली हैप्पी दिवाली रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और जिनके यहाँ इस बार दिवाली नहीं हो पाई, उनके लिए भगवान से प्रार्थना है कि अगले साल वो खूब धूमधाम से दिवाली मनाएं। और सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, वो तो आते जाते रहते हैं, है ना। तो मैंने आप लोग को बताया ही था कि दीपावली के अगले दिन ही माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। तो उम्मीद है आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और अपना ढेर सारा भर भर के प्यार दीजिएगा। हैप्पी दिवाली! आज दीपावली है तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के घर में सुख आए, समृद्धि आए, सभी के दिन अच्छे से कटे। यहाँ देखिए पतिदेव फूल लगा रहे हैं। इस बार नकली फूल, नकली है ना? देखो इस बार नकली फूल लगा रहे हैं। अभी बोल दीजिए हैप्पी दिवाली। नकली नहीं, असली है, कलर अंतर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग बताइए नकली है कि असली है। देखिए ठीक है बेटा, हैप्पी दिवाली बोलिए ना फैमिली को। हैप्पी दिवाली। उसको वो जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं उसको छुपा दीजिए। देखिए सब लग रहा है जो ग्रीन वाले हैं ना, उसको छुपा दीजिए। और सुबह नहा के पूजा रूम में जाके सारा वहाँ भी जो भी करना था ना, मतलब आसन वगैरह बिछाते हैं बिछा दिया। लेकिन अभी लक्ष्मी जी गणेश जी को कपड़ा नहीं पहनाया है, अभी पहनाऊंगी जाके। अभी किचन का काम थोड़ा फिनिश कर लूँ। ऐसे अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं तो देखिए दूध भी चढ़ा हुआ है, खीर बनेगा, चावल बना दे रहे हैं, छोला बनेगा, चने रात में भी वो दिए थे। ऐसे ही हमारी तैयारियाँ चल रही है। ये हैं अर्जुन, इन्हें तो आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ साफ सफाई का काम यही करते हैं, एंटिंग पेंटिंग जो भी होता है यही करते हैं। जब से मैं शादी होके आई हूँ ना तब से ये आ रहे हैं, यही आके साफ सफाई सारा काम यही करते हैं। तो आज दीपावली के दिन ये काम करने नहीं आए हैं। इनका कुछ पैसा जो ये काम किया था ना इन्होंने, इन्हें पैसा भी देना था और कुछ मिठाइयाँ दी हमने दीपावली पर इन्हें, बस इसीलिए अर्जुन को आज बुलाया था। अब आ गई हूँ पूजा रूम में। तो यहाँ सुबह सुबह सारे भगवान जी को, ये तो आप लोग भी करते होंगे फिर मैं बता रही हूँ, गंगा जल से स्नान करवा के और सारा जो नया, जैसे मैंने बताया कि नया आसन भी खरीदते हैं, सब कुछ नया ही खरीदते हैं ना हम लोग दीपावली में, तो सब कुछ यहाँ बिछा के और फिर जो एक मिट्टी की लक्ष्मी जी गणेश जी हम लोग लाते हैं तो वो हम लोग विसर्जन कर देते हैं। लेकिन एक ना छोटा सा पीतल का गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी हैं तो इनके लिए भी कपड़ा लाते हैं, इन्हें भी पहनाते हैं जो हर साल होता है, तो वही अभी कर रही हूँ मैं। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद सबको कपड़ा, और ये देख रहे हैं ना ये मिठाई और जल, तो आज गुरुवार भी था ना, दीपावली दिन गुरुवार भी था तो साईं बाबा को भी सुबह सुबह भोग लगाया था उनकी पूजा करके। और बाकी वही सारी पूजा की तैयारी अभी चल रही है यहाँ पर। यहाँ पिंकी, हैप्पी, राजवीर सभी रंगोली बना रहे हैं तीनों मिलके, देखिए। और मैं छुप के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ हैप्पी के चलते। कहाँ है पिंकी? ब्लैक वाले थैला में सब रख दिए हैं, ठीक ना? दे देना, तेल अलग रख देते हैं, गिर गया तो। ये सारा पूजा का सामान, दिया, तेल, मिठाइयाँ, कुछ कपड़े, ये सब है ना, ये मैं दुकान भेज रही हूँ। दुकान पे पति देव भी पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी देवर जी जाएंगे ना दुकान, तो ऐसा सारा पैक करके मैंने रख दिया और पिंकी को बता दिया है कि जब देवर जी जाएंगे तो पिंकी उन्हें दे देगी और वो लेके दुकान जाएंगे इसको। बजने वाले हैं 6:00। माया देखिए सभी दिया में बत्ती कर रही है, तेल कर रही है। माँ फैमिली को हैप्पी दिवाली बोल दीजिए। हैप्पी दिवाली बोलिए। हैप्पी दिवाली। देखिए इसको क्या बोलते हैं, आप बताइए इसको क्या बोलते हैं? डाइन। डाइन है, देखिए इसको डाइन ही बोलते हैं। और मैं चलिए अब तैयार होके पूजा करने, जब भगवान जी पास हम लोग घी का दिया जला लेंगे ना उसके बाद इधर दिया जलेगा, तो जल्दी से तैयार होके जा रही हूँ पूजा करने। यहाँ पिंकी देखिए लक्ष्मी जी का पैर बना रही है, रंगोली बना के आ गई है, यहाँ लक्ष्मी जी का पैर बना रही है। तैयार हो जाओ, जाएंगे पूजा करने। बहुत तुम भी तैयार हो जाओ क्योंकि उधर कर लेंगे तब ना इधर दिया जलेगा। फिर देखिए गाइस ये सब मम्मी बनाई है
अभी मैं जा रही पूजा करने है। देखिए ये सब दूर ये भी दिखा दो। हम लोग करेंगे हम लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा। यहाँ घी का दिया जला लेंगे, हम लोग पूजा रूम में घी का दिया जलाएंगे, उसके बाद नीचे दिया जलेगा। तो यहाँ हो रही है हमारी दिवाली की पूजा और पिंकी को पूजा करना नहीं है, इसलिए पिंकी नहीं है पूजा में मेरे साथ। और माँ को तो आप लोग जानते ही हैं, अभी माँ ऊपर आती नहीं है। तो यहाँ राजवीर है, हैप्पी है, और बेटा जी तो जैसे मैं हैप्पी के बारे में बात कर रही हूँ, वो तो बहुत कम ही आते हैं ब्लॉग में, तो मैं ज़बरदस्ती उनको करती नहीं हूँ। तो वो बोल रहे थे मम्मा, वो साइड में खड़े थे, मैंने उन्हें तंग नहीं किया। राजवीर रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो यहाँ सारी तैयारियाँ कर लूँगी, फिर हम लोग पूजा करेंगे। पूजा हो गई हमारी, अब हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं ना, वो आके एक एक करके यहाँ प्रणाम करेंगे। अभी तो सभी दुकान में हैं और फिर आएंगे तो सब धीरे धीरे प्रणाम करेंगे। माँ तो अभी नहीं आ पाती हैं ऊपर, आप लोग जानते हैं मैंने रीज़न बताया ही था, तो माँ नहीं आ पाती हैं। अब चलिए नीचे चलते हैं और एक अखंड ज्योत रात भर हम लोग जला के रखते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं, वो रात भर जलता है आज। देखिए ये अखंड ज्योत आज रात भर जलेगा। कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर। बहुत किया लेकिन माँ पूजा में बहुत हेल्प किया। अभी मेरा कीजिए मेरा। हाँ आगे रख दो, आगे रखाएगा, सारा रूम में रखाएगा। कान बंद कर ले रहा है पहले ही। रंगोली में एक दो फुटल का दिखेगा। क्या फुटल दिखेगा? यहाँ पिंकी मुझे अपने मोबाइल में दिखा रही थी कि दीदी इतना सुंदर रंगोली बनाया है, पर जो फर्स्ट टूटा फूटा है ना कि हमारा, बोल रही ये आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर घर होता है, हमारा घर बहुत प्यारा है और भगवान की कृपा हुई तो फिर जैसे पीछे हमने बनाया है आगे भी बन जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए पति देव भी आ गए दुकान से। जल्दी से कड़क चाय बनाइए, मूड फ्रेश हो। अच्छा उसके बाद? उसके बाद फटाका छोड़ेंगे। बन गई पतिदेव की कड़क चाय। बउआ कहाँ है? बड़े पापा बोलो चाय बन गया, लीजिए चाय। आज शाम की चाय पतिदेव ने नहीं पी थी, इसलिए वो घर आते ही उन्होंने कहा कि पहले चाय पिलाओ उसके बाद कुछ करेंगे, तो पहले चाय पियेंगे वो। अभी खा लेंगे, अभी तो हम लोग का शुरू हुआ है दिवाली। हाँ हाँ दीदी निकालती। अभी हम लोग छत पे हैं और लाइट की वजह से आपको अजीब लग रहा होगा ना, फेस पे लाइट पड़ रहा है, अजीब लग रहा है। छत पे है, छत पर से देखिए चारों तरफ जगमग जगमग पटाखों की आवाज, ऐसी है दिवाली इस बार की। हम दोनों आए हुए हैं।
हफ्ते भी दिया रखने आए थे। दिया हर जगह जलना चाहिए, मिट्टी का दिया ना हर जगह जलना चाहिए। तो घर में सभी जगह रखा है, छत पे बाकी था यहाँ रखा है। चलिए आपको व्यू दिखाते हैं दीपावली का। देखिए ये तो हमारे छत पर से शुरू है, अपने छत की लाइटिंग दिखा रही हूँ मैं, वहाँ देवरानी खड़ी है देखिए, और ये देखिए हमारे एरिया की दीपावली। चारों तरफ पटाखों की आवाज, देखिए एक और है, एक और इधर कहीं भी चल जाएगा। तो कहीं नहीं चला रहे उसको, लगाइए उसको आराम से, देखना अभी लगाए उसमें। इसको बहुत दूर हो, यहाँ पकड़िएगा, चलिए पकड़िए तो हम छोड़ रहे हैं। लगाओ मम्मी, लगाओ एकदम पेपर मत चटा, यहाँ कोना में लगाओ इसका। अरे लगाओ ना यहाँ कोना में, हाँ सही चटा के रखो, हाथ पकड़ेगा वो कोना में लगा दो। बहुत दूर मुझे ना पटाखों से बहुत डर लगता है, मैं कभी पटाखे नहीं छोड़ती हूँ, न शादी के पहले न शादी के बाद कभी नहीं। हाँ ज़्यादा होता है तो फुलझड़ी जला लेती हूँ पर पटाखे नहीं। वहीं पिंकी ना वो सब कुछ चला लेती है, अनार बम जो भी बोलते हैं ना अपना, वो सब कर लेती है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तो हैप्पी हर साल मुझे बोलता है कि क्या मम्मी दीपावली है तुम कुछ पटाखा भी नहीं छोड़ती, बस फुलझड़ी जला लेती हो गया। तो इस बार वो एयर बैलून लाया था और बोला था मम्मी तुम इसको जला के उड़ाओ, लेकिन आप लोग देख ही रहे मुझे फिर भी डर लग रहा है पता नहीं क्यों। तो मेरा हाथ पकड़ के बता रहा था मम्मी ऐसे करना है, इसको ऐसे उड़ाना है। कपड़ा जलेगा ऐसे करो ना, उड़ने लगा। और जैसा पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि माँ की तबीयत खराब हो गई थी, हमने जिद करके उन्हें साड़ी वगैरह पहना के बोला नहीं माँ त्योहार का समय है आज आप एंजॉय कीजिए, और माँ आपको देखने में एकदम स्वस्थ लगती होंगी। आप लोग भी सोचते होंगे इन्हें क्या हो जाता है, तो आज मैं वो रीज़न भी आप लोग को बता देती हूँ। और बताते हुए मैं खुद भी बहुत इमोशनल हो गई हूँ, बहुत बुरा हुआ था हमारे साथ, ऐसा किसी के साथ भगवान ना करें। देखिए दीपावली के अगले दिन हम लोग माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ था ना कि एक दिसंबर को, कुछ साल पहले एक दिसंबर को हमारी जो नानी सास माँ की माँ हमारे साथ ही रहती थी,
वो अचानक से हमें छोड़ के चली गई और 4 तारीख को, मतलब 4 दिसंबर को ही, 1 तारीख को नानी गई, 4 दिसंबर को दीदिया, यानी हमारी जो बड़ी वाली ननद थी ना, उन्हें हम दीदिया बोलते थे, मतलब माँ के बाद वो ही हमारे लिए मतलब बहुत खास थी दीदिया। तो वो चली गई 4 तारीख को, और दीदिया के जाने के कुछ सालों बाद जो बड़े वाले जीजा जी थे, यानी हमारे जो नंदोई जी जो माँ के दामाद लगते थे, वो भी चले गए। तो इन सब बातों का ना माँ को शौक लग गया, माँ ने सोच लिया बहुत ज़्यादा कि ये हो क्या गया। बस यही रीज़न है कि माँ कभी कभी ठीक रहती हैं और कभी रोने लगती हैं, बिल्कुल गुमसुम हो जाती हैं, खाना वगैरह नहीं खाती हैं, तो इसीलिए उन्हें काउंसलिंग के लिए हम लोग डॉक्टर पास ले जाते हैं, मेडिसिन भी उनकी चल रही है, उनकी काउंसलिंग भी होती है, तो माँ को ठीक लगता है। बस यही रीज़न है फैमिली, और कोई रीज़न नहीं है। और आप लोग सोच ही सकते हैं कि जिस औरत का, मतलब जिस औरत की माँ हो, उनकी बेटी हो, उनके दामाद हो, इस तरह से मतलब कुछ कुछ सालों में ही छोड़ के चले जाएँ तो कैसा लगेगा। बस यही रीज़न है और कुछ नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक प्लीज़ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।